ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी ग्लोबल मार्केट के लिए काफी अहम है। भारतीय इन्वेस्टर्स की भी इस चुनाव पर पैनी नजर है। 5 नवंबर को US राष्ट्रपति चुनाव का भारत पर भी बड़ा असर हो सकता है। इस चुनाव के मुख्य उम्मीदवारों में डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस शामिल हैं। भारत और अमेरिका के बीच कारोबारी रिश्ते काफी हद तक अमेरिकी चुनाव परिणामों पर निर्भर करते हैं। भारत की टॉप IT कंपनियों का 50% से ज्यादा रेवेन्यू US मार्केट से ही आता है, इसलिए इन चुनावों का परिणाम निश्चित रूप से इन कंपनियों के प्रदर्शन पर देखा जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में अगर रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो भारत का केंद्रीय बैंक RBI विदेशी धन के संभावित और अचानक आउटफ्लो और रुपए में किसी भी तरह की भारी गिरावट से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। बैंक से संबंधित 2 सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है। तो क्या है RBI की तैयारी और अगर ट्रंप जीते तो इसका क्या असर हो सकता है, इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं बिस्तर। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक वैश्विक बाजार में अस्थिरता और विदेशी फंड के आउटफ्लो की स्थिति में घरेलू मुद्रा की रक्षा के लिए अपने बड़े विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल करेगा। एक सूत्र ने कहा कि रिजर्व बैंक अस्थिरता से निपटने में मदद करेगा। अगर आउटफ्लो तेज होता है तो RBI इसे प्रतिबंधित करने के लिए कदम उठाएगा, जैसा कि वो करता रहा है। सूत्रों ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर चीन के प्रति अमेरिका टैरिफ में किसी भी तरह की भारी वृद्धि से भारत और बाकी उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ट्रंप ने चीन से आयात पर 60% शुल्क लगाने का वादा किया है। इस महीने अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में करीब 50 basis points की वृद्धि हुई है और चुनाव के दिन नजदीक आने पर डॉलर इंडेक्स 3.3% मजबूत हुआ है। भारतीय शेयरों से विदेशी फंडों में रिकॉर्ड $10 अरब से ज्यादा का आउटफ्लो हुआ है, जबकि विदेशियों ने ऋण बाजार से $700 मिलियन निकाले हैं। इस महीने रुपया लगातार रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है, जिससे केंद्रीय बैंक को हस्तक्षेप करना पड़ा है। हालांकि ये सबसे कम अस्थिर प्रमुख एशियाई मुद्राओं में से एक रहा है, जो प्रति डॉलर 84.09 की एक सीमा पर बना हुआ है। RBI के हालिया आंकड़ों से पता चलता है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार तीसरे हफ्ते गिरकर 18 अक्टूबर तक $688.27 अरब पर आ गया है, जो कि एक महीने से अधिक में सबसे कम है। हालांकि दुनिया का चौथा सबसे बड़ा भंडार बना हुआ है। बता दें कि अमेरिका में 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। पोल में बहुत कम अंतर से जीत मिलने के बाद दोनों उम्मीदवारों ने अपना ध्यान सन बेल्ट और राज्यों पर केंद्रित कर दिया है। पूरी दुनिया की नजर अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव पर बनी हुई है। चुनाव से पहले ट्रंप ने देश में मौजूदा वोटिंग सिस्टम को लेकर नाराजगी जाहिर की है और वोटिंग के लिए पहचान पत्र को अनिवार्य करने पर जोर दिया है। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि चुनाव के लिए वोटर ID को अनिवार्य रूप से लागू करना चाहिए, लेकिन डेमोक्रेट वोटर ID का विरोध कर रहे हैं ताकि ये लोग चुनाव में किसी तरह की धांधली कर सकें। आप अमेरिका में होने जा रहे इस राष्ट्रपति चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं और आपको इस चुनाव में किसका पल्ला भारी लग रहा है, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और बने रहें बिस्तर के साथ। बिस्तर आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान है, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र ₹159 महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तर के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।